हेलो अल्केन एंड हेलो रिन का आज का पहला क्वेश्चन है, इथिलीडीन क्लोराइड इज अ और एन। ए ऑप्शन है विस डाइहैलाइड, बी ऑप्शन है जेम डाइहैलाइड, सी ऑप्शन है एलाइलिक हैलाइड और डी ऑप्शन है विनाइलिक हैलाइड। डियर, सेकेंड क्वेश्चन हमारे सामने है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ विस डाइहैलाइड। ऑप्शन ए में है डाइक्लोरोमीथेन, बी में है 1,2-डाइक्लोरोइथेन और सी में है यहाँ पर इथिलीडीन क्लोराइड और डी में है एलाइल क्लोराइड। अब डियर स्टूडेंट्स, यहाँ अगर आप ध्यान से देख रहे हैं तो यहाँ पर दो चीज़ें हमें आपको बताने की ज़रूरत है। पहला तो जेम डायलाइट क्या होता है और विस डायलाइट क्या होता है, क्योंकि ये पहला वाला जो ऑप्शन है ये जेम डाइहैलाइड है, यानी इसका आंसर क्या है, जेम डाइहैलाइड है। और दूसरा जो आपको यहाँ नज़र आ रहा है ये विस डाइहैलाइड, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है तो ये भी मैं आपको बता दूंगा। तो चलो हम शुरू करते हैं पहले ये जेम डाइहैलाइड और विस डाइहैलाइड क्या होते हैं, क्योंकि अगर आपने इनको जान लिया तो दोनों क्वेश्चन जो है ये इजी तरीके से आप कर सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। देखिए हमारे सामने है ये है जेम, ये देखिए मैंने लिखा है यहाँ पर जेम डायहेलाइड, ये हो जाएगा जेम डायहेलाइड। अब डियर यहाँ पर ये लिखा मैंने जेम डायहेलाइड, हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि जो ये जेम वर्ड है ये जेमिनल से बना है और इसका मतलब होता है सेम कार्बन एटम, ठीक है, यानी ये जो जेम है ये जेमिनल वर्ड से मिलकर बना है, ठीक है, और इसका मतलब होता है सेम कार्बन एटम। क्या होता है इसका मतलब, लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, सेम कार्बन एटम, सेम कार्बन एटम। अब बात यहाँ पर यह आती है कि सेम कार्बन से कोई भी दो सिमिलर हेलोजन जब लिंक होते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं जेम डायहैलाइड। अब कैसे, जैसे यहाँ पर आप देखें ये सी H, 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 ये C, ये H। अब देखिए ये जो कार्बन है यहाँ पर, इससे एक हेलोजन मैंने इधर लगा दिया और एक हेलोजन मैंने इधर लगा दिया, तो आपने देखा, आपने यहाँ क्या देखा कि इस कार्बन से दो हेलोजन, वन एंड देट इज अ टू, ये दोनों हेलोजन लिंक है, तो हम इसको कहेंगे जेम डायहैलाइड। क्योंकि आपको पता है जेम का मतलब क्या होता है, ये जेम वर्ड जेमिनल से बना है जिसका मतलब होता है सेम कार्बन एटम, यानी कि सिमिलर, यानी सेम कार्बन एटम से जब दो हेलोजन एटम लिंक होते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं जेम डायहैलाइड। तो डियर यही है जेम डायहैलाइड। ठीक, अब आगे सुनिए, जेम डायहैलाइड में अगर हम IUPAC नेमिंग की बात करते हैं तो आप यहां पर वन और यहां पर टू इस तरह बोल सकते हैं इसको, तो क्या होगा, वन वन डाइक्लोरोइथेन। आप इसकी नेमिंग कैसे करोगे, वन वन डाइक्लोरोइथेन, तो यहाँ लिख सकते हैं आप वन वन डाइक्लोरोइथेन। कभी कभी डियर स्टूडेंट्स ऐसा भी होता है कि हमें इस कार्बन पर जहाँ पर ये फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है इसे अल्फा कह दिया जाता है और इसे बीटा कह दिया जाता है, तो इसकी नेमिंग में फिर क्या लिख सकते हैं आप लिख सकते हो अल्फा अल्फा डायक्लोरो इथेन। क्लियर डियर, क्या लिख सकते हो आप, अल्फा अल्फा डायक्लोरो इथेन, तो ये भी आप लिख सकते हैं। अब डियर स्टूडेंट्स एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्या होता है कि अगर आप गूगल पर सर्च करेंगे तो इस जेम डायहैलाइड की आपको वहां पर गलत नेमिंग भी दिखाई देगी। कभी कभी ऐसा होता है कि ज़्यादातर हमें गूगल पर मिस्टेक्स नज़र आती हैं, और इसका जो करेक्ट नेमिंग है वो मैं आपको बताया, तो करेक्ट नेमिंग क्या है, होता ये है कि जब हम इसकी कॉमन नेम की बात करते हैं तो कॉमन नेम में क्या आता है, कॉमन नेम में कार्बन टू है तो हम बोलेंगे इथाइल, ये बोल दिया हमने इथाइल, फिर आएगा इसमें लिडीन वर्ड आता है तो इथाइल लिडीन। ये देखिए कुल मिलाकर के ये है कि यहाँ पर ये इथ
और वाई एल आई डी एन ई, इथिलीडीन, ये पूरा वर्ड आ जाएगा। तो इसको हम लोग बोलेंगे इथिलीडीन क्लोराइड, क्लोराइड। तो ये कहने का मतलब ये है कि जब ये लिडिन वर्ड आता है तो वहां पर डाई वर्ड नहीं आता, ठीक है? तो इसकी करेक्ट नेमिंग क्या होगी? इथिलीडीन क्लोराइड। क्योंकि जब लिडिन वर्ड आता है तो वहां डाई वर्ड नहीं आता, जबकि गूगल पर क्या इथिलीडीन के बाद में डाई क्लोराइड भी दिया हुआ है। तो कभी कभी ये मिस्टेक आपको वहाँ नज़र आ सकती है, लेकिन करेक्ट नेमिंग डियर क्या है इसकी? यही है जो आपको यहाँ बताई गई है। अब इसका ऑप्शन आपको समझ में आ रहा है, ये देखिए, इथिलीन क्लोराइड इज अ, तो आपको पता चल गया जेम डायलाइट। तो देखिए बड़े आराम से पता चल रहा है आपको कि इथिलीन क्लोराइड इसमें से क्या है, ये जेम डायलाइट। अब हम दूसरा क्वेश्चन भी बड़े आराम से कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारे सामने है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच डायलाइट। अब देखिए डियर, जिस तरह से हमने जेम डायलाइट की बात की, उसी तरह से हम विस डायलाइट की बात करते हैं। तो ये जो विस वर्ड है ये विसिनल से बना है, ये देखिए, ये जो विस, तो हम पहले लिख देते हैं विस डायलाइट, ये देखिए, ये विस डायलाइट, आई सेड अर्लियर, विस वर्ड जो है ये विसिनल से मिलकर बना है, और विसिनल का मतलब होता है डिफरेंट कार्बन एटम। तो चलो मैं यहां लिख देता हूं, डिफरेंट कार्बन एटम, कार्बन एटम, ये डिफरेंट कार्बन एटम, तो यहां हो जाएगा डिफरेंट कार्बन एटम। अब डियर इसका मतलब ये होता है कि कोई भी दो सिमिलर हेलोजन जब डिफरेंट डिफरेंट कार्बन से लिंक होते हैं, याद रखिएगा, कोई भी टू सिमिलर हेलोजन डिफरेंट डिफरेंट कार्बन से लिंक होते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं विस डायहैलाइड। चलो इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ पर आप इसका एग्जाम्पल देखें, ये देखिए, एक सी एल मैंने यहाँ लगा दिया डियर, एक सी एल मैंने यहाँ लगा दिया, ठीक। अब आपने देखा इस कार्बन से ये सी एल लिंक है, इस कार्बन से ये सी एल लिंक है, यानी दोनों जो हेलोजन हैं अलग अलग कार्बन से लिंक है, तो डियर इसी को हम लोग बोलते हैं विस डायहैलाइड। ये देखिए, ये विस डायहैलाइड। अब अगर हम इसके आईपीसी नेमिंग की बात करते हैं तो आईपीसी नेमिंग क्या होगा? वन, एंड दैट इज अ टू। तो क्या बोलेंगे इसको? हम बड़े आराम से बोल सकते हैं इसको वन टू डायक्लोरोइथेन। तो इसकी नेमिंग हो जाएगी वन टू डायक्लोरोइथेन, ये इस तरह से। कभी कभी ऐसा भी होता है डियर कि हम इसे अल्फा कह दें, इसे हम बीटा कह दें, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? अल्फा बीटा डायक्लोरोइथेन, ठीक डियर? तो चलो अल्फा बीटा डायक्लोरोइथेन, कि डायक्लोरोइथेन, ये हो गया। अब डियर इसके डेरिवेटिव नेम की बात करते हैं कि इसका डेरिवेटिव नाम क्या है। तो याद रखिए इसका नाम है इथिलीन डायक्लोराइड। अब इसके अंदर डाई वर्ड आएगा, ये याद रखना, जेम के अंदर डाई वर्ड नहीं आता कॉमन नेम में, तो हमने बोला था उसको इथाइलिडीन क्लोराइड। लेकिन विस डायहैलाइड में क्या होता है कि इसमें डाई वर्ड आता है तो हम इसको बोलते हैं क्या? इथिलीन डाइक्लोराइड, ठीक है? तो चलो इसमें हम इसको बोलेंगे इस तरह से, ये देखिए, इथाइलीन डाइक्लोराइड, ये। तो इस तरह से डियर आप खुद देखें इसका आंसर क्या हो सकता है। तो इसका आंसर है यहां पर विस डायहैलाइड इसमें से क्या है, तो करेक्ट ऑप्शन है इसका डियर, ये देखिए, वन टू डाइक्लोर इथेन, ये करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है? अब हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं। थर्ड क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग है डियर, लिसन। अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट्स। हमको बताना है कि ये जो यहां पर कंपाउंड्स हैं इनका इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमको इनका बॉइलिंग पॉइंट बताना है। हिंदी में सुने, यहाँ पर ये जो यौगिक आपको दिए गए हैं इनका बढ़ते हुए क्रम में आपका क्वथनांक बताना है, ठीक है? इन चारों ऑप्शन में से सही ऑप्शन कौन सा है? तो डियर देखिए, सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि यहाँ ये जो आपको नज़र आ रहा है इसको हम लोग बोलते हैं क्या? सेकेंडरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, इसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल ब्यूटाइल ब्रोमाइड, और इसको हम लोग बोलते हैं टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, यानी हम ऐसे भी कह सकते हैं दिस इज द 1 डिग्री, दिस इज आल्सो 1 डिग्री, एंड दिस इज द 3 डिग्री। लेकिन आप सिंपली याद रखिए कि जिसमें स्टेट चेन है
तो इसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल ब्यूटाइल ब्रोमाइड। क्यों? 1, 2, 3, 4, ये फोर कार्बन है, तो इसको बोलेंगे नॉर्मल ब्यूटाइल ब्रोमाइड। फिर इसमें देखिए आइसो ग्रुप लगा हुआ है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? आइसो ब्यूटाइल ब्रोमाइड। फिर इसको देखिए क्या बोलेंगे हम? इसको हम लोग बोलेंगे इस कार्बन से जहां पर ये हेलोजन लिंक है, इसे देखिए 3 रेडिकल लिंक है, तो इसको हम लोग बोलेंगे टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। ठीक है, इसी को ही हम 3 डिग्री ब्यूटाइल ब्रोमाइड भी कहते हैं। ठीक है, चलिए अब बात यह आती है कि इसको सेकेंड नंबर को देखो आप, बिल्कुल स्ट्रेट में है। स्टेट में होने की वजह से इसका सरफेस एरिया क्या होता है? ज्यादा होता है। ठीक है, सरफेस एरिया ज्यादा होने से क्या होता है कि इनके मॉलिक्यूल्स में डायपोल डायपोल इंटरेक्शन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है। अब अगर हम इसको देखें, ये आइसो वाले को, तो ये थोड़ा सा सर्कुलर हो चुका है। सर्कुलर होने की वजह से इसमें डायपोल डायपोल इंट्रैक्शन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा डिक्रीज हो चुका है। ठीक है, और इसको अगर हम देखें टर्शरी को, तो ये और ज्यादा सर्कुलर हो चुका है। ठीक है, इसीलिए इसमें डायपोल डायपोल इंट्रैक्शन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और कम हो गया। और आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट डायपोल डायपोल इंट्रैक्शन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जितना ज्यादा ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। तो आपको पता है सबसे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ था, फिर उससे कम यहाँ था, और सबसे कम यहाँ था। इसीलिए इसका करेक्ट ऑर्डर क्या आएगा डियर? सेकेंड का सबसे ज्यादा, वन का थोड़ा कम, और थर्ड का सबसे कम। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? यहाँ पर ऑप्शन देखिए आप, देखो 3 का सबसे कम, यस। फर्स्ट का थोड़ा ज्यादा, यस। सेकेंड का सबसे ज्यादा, यस। तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, हिंदी में सुने, देखिए हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि सीधी श्रृंखला में अगर कोई हेलो यौगिक दिया हुआ है, तो हम उसका पृष्ठ क्षेत्रफल देखते हैं, क्योंकि हमको आपको पता है कि सीधी श्रृंखला में अगर कोई हेलो अल्केन है, तो उसकी सतह का क्षेत्रफल बहुत ज़्यादा होता है, उसका सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा होता है। सतह का क्षेत्रफल ज़्यादा होने की वजह से उसमें द्विध्रुव द्विध्रुव आकर्षण बल का मान ज़्यादा होता है। याद रखिएगा, द्विध्रुव द्विध्रुव आकर्षण बल का मान ज़्यादा होता है। और इसको आप देखिए, ये आइसो है, तो आइसो में क्या होता है कि ये थोड़ा गोलाकार होने लग जाता है। गोलाकार होने पर यहां पर इनके अणुओं के मध्य द्विध्रुव द्विध्रुव आकर्षण बल का मान घट जाता है। और ये देखिए, ये और ज्यादा गोलाकार हो चुका। जब ये और ज्यादा गोलाकार हो जाएगा, तो इनके अणुओं के मध्य द्विध्रुव द्विध्रुव आकर्षण बल का मान और ज्यादा कम हो जाएगा। और हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि क्वथनांक द्विध्रुव द्विध्रुव आकर्षण बल के समानुपाती होता है। जितना ज्यादा ये आकर्षण बल होगा, उतना ज्यादा उसका क्वथनांक होगा। तो सबसे ज्यादा कहाँ पर है? सेकंड में। उससे कम कहाँ है? फर्स्ट में। और सबसे कम कहाँ पर है? थर्ड में। इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? सी। ठीक है, चलिए हम आगे अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है फोर्थ नंबर। ये क्वेश्चन भी हमें नॉलेज देगा। दी कैसे? विच इज द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स? हमको बताना है 1-hydroxybutane, 1-bromobutane, 1-chlorobutane एंड दिस इज द ब्यूटेन। यस, हमको बताना है कि इनके अंदर बॉइलिंग पॉइंट का इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या होगा। हमें ये बताना है कि ये दिए गए यौगिकों में क्वथनांक का बढ़ता हुआ क्रम कौन सा है। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको एक बात पता होना चाहिए, जितना ज्यादा मोलर मास होता है, बॉइलिंग पॉइंट उतना ही ज्यादा होता है। हमें इस बात पर ध्यान देने की आवश्यकता है कि जितना ज्यादा आणविक द्रव्यमान होगा, उसे क्वथनांक का मान उतना ही ज्यादा होगा। अब आप यहां पर यह देखिए कि ब्यूटेन है यहां पर, ठीक है, उसके बाद यहां पर भी देखिए ब्यूटेन है, यहां पर भी ब्यूटेन है, यहां पर भी ब्यूटेन है, लेकिन इस ब्यूटेन के अलावा यहां पर देखिए 1-chloro, 1-bromo, 1-iodo। तो हम समझ गए कि इसमें Cl, Br और I इनके होने की वजह से इनका मोलर मास बढ़ जाएगा।
इनका आणविक द्रव्यमान बढ़ जाएगा, जिससे इनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, बढ़ेगा। तो ब्यूटेन का तो सबसे कम रहेगा, तो ये तो निश्चित है कि ब्यूटेन का सबसे कम। अब हम इन तीनों में कॉम्पिटिशन करेंगे, वन आयोडो में, वन ब्रोमो में और वन क्लोरो में। तो डियर देखिए, यहाँ पर अल्कल हैलाइड सभी में सेम है, ये देखिए ब्यूटाइल ब्यूटाइल ब्यूटाइल। तो उस कंडीशन में आप क्या करोगे, आप जो है हेलोजन को देखोगे। आपको पता है हेलोजन एटम का साइज जितना ज़्यादा बड़ा होगा उसका एटॉमिक मास ज़्यादा होगा, एटॉमिक मास ज़्यादा होगा तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज़्यादा होगा। आपको पता है कि क्लोरो का एटॉमिक मास कम, बीआर का उससे ज़्यादा और आयोडीन का सबसे ज़्यादा, इसीलिए इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। आपको समझ में आ गया, ब्यूटेन पहले आना चाहिए और बाद में क्लोरो, फिर ब्रोमो, फिर आयोडो आना चाहिए। ये ऑप्शन ढूंढिए कहाँ पर है इन चारों में से, देखिए 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 कहाँ पर है। तो आंसर आता है, अरे ये तो पहला ही एग्जाम्पल है, चलो ये फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक डियर, हमारे सामने फिफ्थ क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द एंड प्रोडक्ट सी इज द फॉलोइंग सीक्वेंस। यहाँ पर ये एथेनॉल है जिसको हम थायोनाइल क्लोराइड से रिएक्ट कराते हैं पिरिडिन की प्रेजेंस में। तो यहाँ पर ए, फिर जो ए बनता है उसको हम पोटेशियम साइनेट से रिएक्शन कराते हैं जो कि एल्कोहल ही है। तो बी बनता है और बी को जब हम हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो यहाँ सी हमको मिलता है। हिंदी में सुने, ये एथेनॉल है, इथाइल एल्कोहल है, जब इसको हम थायोनाइल क्लोराइड के साथ जिसको कि हमने पिरिडीन की उपस्थिति में लिया है उससे जब अभिकृत कराते हैं तो हमें यहाँ ए मिलता है, और जब हम ए को पोटेशियम साइनाइड जो कि एल्कोहल ही है उससे अभिकृत कराते हैं तो यहाँ बी मिलता है, और बी का जब हम जलअपघटन करते हैं तो हमें यहाँ पर सी मिलता है। और हमें डियर स्टूडेंट्स यही बताना है कि यहाँ पर सी इन चार ऑप्शन में से कौन सा है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसको बताने से पहले आपको मैं यहाँ पर एक बात बता दूँ कि ये एल्कोहल है, और एल्कोहल से जब हम थायोनाइल क्लोराइड की रिएक्शन कराते हैं पिरिडिन की प्रेजेंस में, तो यहाँ पर जो हमको अल्काइल हैलाइड ऑप्टेंट होता है वो प्योर फॉर्म में होता है। कभी कभी आपसे यहाँ पर एक क्वेश्चन किया जा सकता है कि एथेनॉल को हम कंसंट्रेट HCl से, PCl3 से, PCl5 से, SOCl2 से रिएक्ट कराते हैं, तो उनमें सबसे बेस्ट क्लोरिनेटिंग एजेंट कौन सा है, तो आंसर आएगा SOCl2। अब ये SOCl2 को ही हम मोस्टली यूज क्यों करते हैं, तो ये इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ क्यों करते हैं। देखिए डियर स्टूडेंट्स, हमारी रिएक्शन भी कंप्लीट हो जाएगी और मैं आपको इसका आंसर ही बता दूंगा। अब देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर लेते हैं एथेनॉल को, ये हमने ले लिया एथेनॉल और हम इसको रिएक्ट कराते हैं SOCl2 के साथ जिसको हम लोग थायोनाइल क्लोराइड बोलते हैं। अब देखो क्या होगा, यहाँ जो SOCl2 है इसको आप ब्रेक कर सकते हो SOCl एंड Cl में, तो यहाँ से ये SO2 निकल जाएगा और यहाँ से ये H और ये Cl, ये HCl भी यहाँ से निकल जाएगा और Cl यहाँ पर जा करके अटैच हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो यहाँ देखिए क्या क्या मिलेगा हमको, C2H5Cl, साथ में ये SO2 एंड यहाँ मिलेगा हमको HCl। अब देखिए यहाँ पर ये जो हमको HCl मिला है ये HCl गैस फॉर्म में होता है और SO2 भी गैस फॉर्म में होता है, ठीक है, ये दोनों ही क्या हो जाते हैं इस रिएक्शन में निकल जाते हैं। सिर्फ हमको प्योर फॉर्म में क्या ऑप्टेंट होता है, इथाइल क्लोराइड, ठीक है, यानी कि क्लोरो इथेन ऑप्टेंट होता है। तो यही वजह रहती है क्या कि हम थायोनाइल क्लोराइड से रिएक्शन कराते हैं, क्योंकि हमको यहाँ पर जो अल्काइल हेलाइट जो मिलता है यानी क्लोराइड जो मिलता है हमको, वो हमको प्योर फॉर्म में मिलता है यानी शुद्ध अवस्था में मिलता है, क्योंकि ये SO2 और HCl गैस बनकर के यहाँ से निकल जाते हैं। चलिए अब हमें डियर क्या मिला है, यहाँ पर हमको मिला ए, ये हमने ए लिख दिया। अब हम इसको रिएक्ट कराएंगे एल्कोहलिक पोटेशियम साइनाइड के साथ, तो चलो इसको वापस से ले लेते हैं हम, ये देखिए C2H5Cl, और इसको रिएक्शन कराएंगे हम पोटेशियम साइनाइड के साथ जो कि एल्कोहलिक है, ठीक है। तो क्या होगा, यहाँ से KCl यहाँ से बाहर हो जाएगा और यहाँ हमको मिलेगा इथाइल साइनाइड यानी कि C2H5CN, और यहाँ से ये KCl तो बाहर हो ही गया था। अब
अब डियर देखिए यहाँ पर क्या ये, इसका मतलब होता है हम इसका यहाँ पर एसिडिक हाइड्रोलिसिस कराएंगे, यानी कि अम्लीय जल अपघटन। उसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2H2O लेंगे, ठीक है, 2H2O से के साथ हम इसकी क्या कराएंगे, रिएक्शन कराएंगे, किसकी, इसकी, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोपेन नाइट्राइल या फिर इथाइल साइनाइड भी आप बोल सकते हो। तो चलो इसकी रिएक्शन हम करा देते हैं। यहाँ पर ये C2H5, ये CN है और हम इसकी रिएक्शन कराएंगे ट्वाइस H2O के साथ, ठीक है, ये एसिड की प्रेजेंस में। तो डियर स्टूडेंट्स, हमेशा एक बात का ध्यान रखिए कि अगर किसी केमिकल रिएक्शन में आपको सिंगल नाइट्रोजन नज़र आता है तो वो हमेशा NH3 की फॉर्म में बाहर निकलता है, और अगर रिएक्शन में Cl कहीं है तो वो NH4Cl की फॉर्म में बाहर निकलेगा। तो यहाँ Cl तो है नहीं, तो इसीलिए ये NH3 की फॉर्म में बाहर निकलेगा। तो इस 2H2 को खोलो आप, कैसे, H3OOH ऐसे खोल दिया आपने, तो यहाँ से क्या होगा, ये NH3 यहाँ से बाहर निकल जाएगा। ये दो ऑक्सीजन H इसके साथ लिंक कर दो तो यहाँ हो जाएगा C2H5COOH। ये देखिए इसको हम लोग बोलेंगे क्या, प्रोपेनोइक एसिड, और यहाँ पर रिमूव क्या हुआ डियर, NH3। अब हमको देखना है ये क्या है डियर, C है, C। अब C, अब हम ऑप्शन में मैच करते हैं कि प्रोपेनोइक एसिड है कहाँ। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो, ए ऑप्शन में नहीं है, बी में नहीं है, सी को अगर आप ध्यान से देखें तो डियर इसने जो CO2 लिखा है वास्तव में COOH है ये। तो इसका आंसर क्या आएगा डियर, सी, सी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है 6th नंबर, और क्वेश्चन इस तरह से है कि ये हमको दे रखा है, यहाँ पर क्लोरोप्रोपेन दे रखा है एल्कोली KOH प्रेजेंस में, फिर यहाँ पर बी, और फिर बी को हम HBr से रिएक्शन कराएंगे तो सी, और सी को जब हम NaCS Na और ईथर के साथ लेंगे तो डी। तो यहाँ पर हमको बताना है डी क्या होगा। डियर काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, आप ध्यान से देखना आपको समझ में आ जाएगा। देखो आपको पता है कि इस रिएक्शन में यहाँ पर एल्कोली KOH दिया हुआ है। एल्कोली KOH का मतलब होता है कि आप यहाँ पर बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन करोगे, बीटा विलोपन अभिक्रिया करोगे, यानी कि डी हाइड्रोहेलोजनेशन प्रोसेस करोगे, वी हाइड्रोहेलोजनीकरण करोगे, ठीक है। तो चलो हम एक काम करते हैं, इसको लिख लेते हैं, देखिए कैसे, यहाँ पर CH3 CH2 और CH2, और यहाँ पर ये Cl लिख लिया, ठीक है, और यहाँ पर हमने प्रेजेंस ले ली किसकी, एल्कोहलिक KOH की। अब यहाँ पर क्या होता है आपको पता है, जिस कार्बन से फंक्शनल ग्रुप जुड़ा है ये अल्फा है, ये बीटा है और ये गामा है, ठीक है। मैंने बताया एल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में बीटा एलिमिनेशन होता है, यानी बीटा पोजीशन से हाइड्रोजन इस Cl के साथ HCl बनाकर यहाँ से निकल जाएगा। तो चलो यहाँ से H और यहाँ से Cl निकाल दो, ये देखो आपने HCl निकाल दिया, बीच में क्या आएगा डियर, यहाँ पर डबल बॉन्ड, देखिए कैसे CH3CH डबल बॉन्ड CH2। ये देखिए क्या मिला डियर हमको, प्रोपीन। तो यहाँ पर हमको मिल जाएगा डियर क्या, प्रोपीन, ठीक। अब इस प्रोपीन को हम HBr से रिएक्ट कराएंगे, तो इसको वापस लेकर के आते हैं, देखिए नंबर सेकंड स्टेप में ये CH3CH डबल बॉन्ड CH2, और यहाँ पर हम इसको HBr से रिएक्ट कराएंगे। डियर स्टूडेंट्स एक बात ध्यान रखिएगा प्लीज़, कि अगर यहाँ पर परऑक्साइड नहीं है तो आपको यहाँ पर मार्कोनिकोफ रूल अप्लाई करना है, और मार्कोनिकोफ रूल में आपको पता है कि पाई इलेक्ट्रॉन है ना, कम हाइड्रोजन वाले कार्बन से ज़्यादा हाइड्रोजन वाले कार्बन की तरफ जाते हैं, और पाई बॉन्ड यानी पाई इलेक्ट्रॉन होते कहाँ हैं, जहाँ डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड हो, कहाँ पर, यहाँ पर। तो यहाँ से पाई इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, ट्रांसफर हो जाएंगे, कहाँ से, कम हाइड्रोजन से ज़्यादा, तो ये प्लस होगा, ये क्या होगा, माइनस, इसमें एच प्लस होता है, बी आर क्या होता है, माइनस, इस माइनस से ये एच जुड़ जाएगा, और बी आर कहाँ जुड़ेगा डियर, यहाँ पर, ठीक है, कहाँ पर जुड़ेगा, यहाँ पर। तो अब हमको क्या मिलेगा, हमको मिलेगा इस तरह से CH3CH, ये हो जाएगा BR, और यहाँ पर हो जाएगा डियर ये CH3, मिल गया। तो ये क्या है डियर, अभी ये C है ना, देखो ना इस रिएक्शन को ध्यान से देखिए, एल्कोहलिक KOH से रिएक्शन कराते तो बी यहाँ पर कौन है, ये बी, फिर जब हम HBr का एडिशन कराएंगे तो सी, HBr का एडिशन कराए तो ये क्या डियर, ये सी। अब सोडियम और ईथर के प्रेजेंस के साथ अगर हम सी को लेते हैं तो डी बनता है। आपको पता है सोडियम और ईथर कहाँ आता है, वुड्स रिएक्शन में आता है, इसका मतलब जो वुड्स रिएक्शन में हम इसका उपयोग करेंगे तो इसके दो मॉलिक्यूल को हम ले सकते हैं। अब कैसे ले सकते हैं, बहुत सिंपल, आप जरा बोर्ड पर यहाँ देखिए ये CH3, ये CH, और यहाँ पर ये CH3, ठीक है, यहाँ पर मैंने BR लिख दिया,
फिर यहाँ पर क्या करेंगे हम, ये 2Na और फिर प्लस ये CH3CH और ये CH3 और यहाँ से ये Br, ठीक है। प्रेजेंस किसकी ले रहे हैं डियर, यहाँ पर हम प्रेजेंस ले रहे हैं यहाँ पर ईथर की, ये ईथर की प्रेजेंस ले ली, ठीक है। ध्यान दीजिएगा अब क्या होगा, ये देखिए ये यहाँ से 2NaBr यहाँ से बाहर चले जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से वैलेंसी कम हुई थी ना इसकी, तो ये यहीं से इसके साथ क्या होगा, लिंक हो जाएगा। तो जब लिंक होगा तो कैसे होगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, CH3CH CH3, क्योंकि यहाँ से Br, यहाँ से Br, Na के साथ निकल के 2NaBr बाहर निकल गए थे, ये देखिए है ना। आप इसको एक बार लिख लो, एक बार इसको और लिख लो, ये देखिए CH3CH CH3। अब यहाँ पर इसको लिंक कर दो, जोड़ दिया आपने। अब इसकी नेमिंग करो डियर, नेमिंग कैसे करेंगे आप, ये देखिए 1 2 3 4, ये देखिए 1 2 3 4, तो क्या होगा 2,3-dimethylbutane, इसका नाम क्या होगा डियर, 2,3-dimethylbutane, तो ये डियर इसका क्या हो जाएगा नाम। अब देखिए 2,3-dimethylbutane कहाँ ऑप्शन में है, तो चलो देखते हैं इसको। ये देखिए डियर, ये बी ऑप्शन में है जहां पर लिखा है 2,3-dimethylbutane, तो डियर यही है डी, क्या ये देखो डी यहां पर कौन सा ऑप्शन है, 2,3-dimethylbutane, जो कि यहां पर बी गिवन है, तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम 7th नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 7th नंबर क्वेश्चन हमारे पास ये है, देखिए CH3C फिर CH3 डबल बॉन्ड CH एंड CH3 HBr का एडिशन करना है, हमको बताना है यहाँ ए क्या होगा। तो डियर स्टूडेंट, मैंने आपको कहा कि जब भी यहाँ एच बी आर हो और यहाँ परऑक्साइड नहीं हो, तो आप यहाँ पर मार्कोनिकोफ रूल लगाएंगे। क्या लगाएंगे डियर, मार्कोनिकोफ रूल। उसमें क्या होता है कि कम हाइड्रोजन वाले कार्बन से पाई इलेक्ट्रॉन ज्यादा हाइड्रोजन वाले कार्बन की तरफ जाते हैं, तो इधर से इधर करोगे तो परऑक्साइड इफेक्ट हो जाएगा, तो आपको किधर से करना है, इधर से इधर करना है, तभी ये मार्कोनिकोफ रूल होगा, ठीक है। अब ये प्लस आ जाएगा यहाँ पर, ये माइनस आ जाएगा, ये प्लस है ये माइनस है, तो माइनस वाला कहाँ जुड़ेगा यहाँ पर, ये वाला कहाँ जुड़ेगा डियर यहाँ पर, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये तो ए इज द करेक्ट ऑप्शन, ये देखिए ये इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा डियर, ए, क्लियर। चलिए अब हम आखिरी क्वेश्चन पर चल रहे हैं इस समय, और क्वेश्चन इस तरह से है, इन ऑर्डर टू कन्वर्ट क्लोरोबेंजीन टू फिनोल द रिएजेंट नीडेड आर, हमको क्या करना है, क्लोरोबेंजीन से फिनोल को बनाना है, उसके लिए इनमें से कौन से रिएजेंट जो हैं क्या परफेक्ट होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, जो पहला ऑप्शन है ये तो नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि जब हम बेंजीन से बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड का, यानी कि बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट का फॉर्मेशन करते हैं, तो उसमें यूज होता है, तो ये तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है डियर, ये बी। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा करेक्ट ऑप्शन बी कैसे है, तो डियर स्टूडेंट बताऊं मैं आपको, ये डाउस प्रोसेस है, आपने पढ़ा होगा डाउस प्रोसेस में। देखो मैं बता देता हूं आपको, आप पहले क्लोरोबेंजीन ले लो, देखिए ये हमने इस तरह से यहीं पर क्लोरोबेंजीन ये ले लिया, ये देखिए, फिर हम यहां पर NaOH के साथ इसको रिएक्ट कराएंगे, ठीक है। यहां पर देखिए 623 केल्विन पर और 300 ATM पर, याद रखना क्लोरोबेंजीन NaOH के साथ नॉर्मल कंडीशन पर रिएक्शन नहीं करता, यानी कि इस क्लोरोबेंजीन का इस NaOH के साथ हाइड्रोलिसिस नहीं होगा नॉर्मल कंडीशन पर, इस क्लोरोबेंजीन का इस NaOH के साथ साधारण तापमान पर साधारण स्थिति में जलपघटन नहीं होगा। इसको हाइड्रोलिसिस यानी जलपघटन करने के लिए, क्या इसका हाइड्रोलिसिस करने के लिए हमको 623 केल्विन एंड 300 ATM प्रेशर लेना पड़ेगा, ठीक है। अब होता क्या है यहाँ पर वो देख लीजिए, यहाँ पर ये जो NaO है ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है। H इसमें क्या होता है, प्लस होता है, और Cl नेगेटिव, ये जो Cl है ये न्यूक्लियोफाइल है, तो ये वीक न्यूक्लियोफाइल होता है और ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है, तो ये जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है ये इस वीक न्यूक्लियोफाइल को डिस्प्लेस कर देता है, प्रतिस्थापित कर देता है, जिससे क्या होता है सोडियम फिनॉक्साइड का फॉर्मेशन होता है। देखिए कैसे, ये देखिए बन जाएगा, ये बन गया, और यहां से क्या निकला डियर, HCl, ठीक है। अब यहां पर ये जो सोडियम फिनॉक्साइड बना है इसको हम इस डाइल्यूट HCl के साथ फिर से रिएक्ट कराएंगे, क्योंकि अभी तो हमने NaOH से रिएक्शन कराई थी ना, अब इस डाइल्यूट HCl से करा दो, बस फिनोल का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये देखिए यहां पर हमने ONa ले लिया और यहां पर HCl
जो कि डायल्यूट है, ये ले लिया। अब देखिए क्या होगा, धीरे से यहाँ से NaCl बाहर कर दो, H को जोड़ दो। ये डियर देखिए, ये फिनॉल का फॉर्मेशन हो चुका, ये देखिए, और यहाँ से क्या निकला भाई बाहर, NaCl। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये देखिए ये करेक्ट ऑप्शन इसका क्या है, बी। तो आई होप डियर स्टूडेंट्स आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा। ठीक है, थैंक यू।